हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस फ्लेवर्स रिगार्डिंग फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट दिस इज अ सिलेबस ऑफ बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे कि फार्माकोग्नोसी क्या है तो ऑबवियसली इट इज अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग यानी कि जो क्रूड ड्रग्स हैं चाहे वो आपको प्लांट सोर्स से मिल रही हैं चाहे आपको एनिमल सोर्सेज से मिल रही हैं चाहे वो मराइन सोर्सेज से मिल रही हैं उन सब के बारे की, उस उनके थ्रू जो अपने को चीजें अवेलेबल हैं उनकी स्टडीज उन वो कहाँ से अपने को ऑप्टेन हो रही हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या हैं उनका यूज क्या है ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन फार्माकोग्नोसी में देखेंगे आपके बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में साथ ही साथ फाइटोकेमिस्ट्री भी इसके अंदर अपन देखेंगे फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि द स्टडी ऑफ फाइटो केमिकल्स फाइटो क्या हैं फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म uh, जो प्लांट्स हैं जो कि जनरेट करते हैं, जैसे कि वो केमिकल्स हैं वो केमिकल अपने फार्माकोलॉजिकल यूज के लिए अपन यूज करते हैं अब वो कौन से केमिकल्स हैं क्या यूज हैं, उसकी सारी की सारी स्टडीज हैं जो कि फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है तो में टोटल फाइव यूनिट्स हैं वन बाय वन अपन डिस्कस करते चलते हैं आपको किसमें क्या पढ़ना है तो सबसे पहले जो यूनिट वन है वो है बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी क्या है आपने किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया है जो भी आप फ्रूट ड्रग्स ले रहे हो वो कहाँ कहाँ से ले रहे हो उनके सोर्सेज क्या हैं सम एग्जांपल्स जैसे सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी फार्माकोग्नोसी यानी कि फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है यानी कि जो स्टडी ऑफ फ्रूट ड्रग है वो किसने दी किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है इसकी हिस्ट्री क्या है यानी कि जो क्रूड ड्रग के अंदर भी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है उसका भी यूज किया जा सकता है वो किस तरीके से है जो कि इन्वेंट हुआ स्कोप क्या है फर्दर अगर अपन बात करें कि इसको आगे अपन किस किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं सब डेवलपमेंट्स फार्माकोग्नोसी ने क्या क्या काम है जो कि अभी तक कर दिए हैं देन सोर्स ऑफ ड्रग यानी कि जो भी अपन बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स उनके सोर्सेस अपने को कौन कौन से मिल सकते हैं चाहे वो प्लांट सोर्सेस हो सकते हैं प्लांट से अपने कोई भी चीज निकाल ली जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल यूज है

करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यानी फार्माकोग्नोसी है उसके अंदर भी इतनी सारी जो प्लांट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को सर्च किया गया हजारों लाखों की तादाद में है, जो कि डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं तो उनको एक सेम कैटेगरी के हिसाब से है जो कि अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया पहला तो उनको अल्फाबेटिकली क्लासिफाई किया देन उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं टेक्सोनॉमिकल क्या हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ फार्माकोकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कीमो एंड सैरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बांटा था उन सबके बारे में अपन स्टडीज करेंगे देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड ऑफ नेचुरल ऑरिजन ऑब्वियस प्लांट्स की बात करें तो हर एक प्लांट एक नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट है और अगर उसके अंदर पर्टिकुलर के केमिकल कॉन्सेंट इतने परसेंट में अवेलेबल है तो पॉसिबल नहीं है कि दूसरी जगह उगने वाला वो सेम प्लांट भी उतने ही परसेंट अपने को उस सेम प्रोडक्ट का दे तो वो होती है उसकी क्वालिटी कंट्रोल यानी कि आप कोई भी चीज़ निकाल रहे हो उसमें से तो उसके अंदर जो कंटेंट है क्या वो सेम है या वो ओरिजिनल है प्लस ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं क्योंकि आप उसमें से पूरा का पूरा सिंथेसिस करके एक कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो लोग क्या करते हैं उसके अंदर मिलावट भी कर देते हैं उसके सूडो या फिर डिग्रेडेड पार्ट या सब्सिट्यूट पार्ट भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो उनको क्वालिटी कंट्रोल करना उनको चेक करना ये सारी की सारी चीज़ें भी फार्माकोग्नोसी में आती हैं जैसे कि एडल्टेशन ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग का एडल्टेशन कर देना कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग डाल देना जो या दिखने में होबहू हो या फिर उसका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो या फिर उसका एग्जॉस्ट प्रोडक्ट हो देन इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनोलैप्टिक माइक्रोस्कोपिक फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज साथ ही साथ आपने कोई भी प्लांट लिया है तो उसको इवोल्यूट करना कि हाँ ये वही प्लांट है उसके अंदर वही सेम केमिकल कॉन्स्टोेंट्स से अवेलेबल हैं ये प्योर एंड नेचर है तो उसके ऑर्गेनोलैप्टिक यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्मेल टेस्ट आ, लुक वाइज वो क्या है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज चेक करना उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज फिजिकल स्टडीज केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज की जाती है देन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्रूड ड्रग इंक्लूडिंग लाइकोपोडिंग स्पोर्ट्स मेथड लीव कॉन्स्टेंट कैमरा ल्यूसीडिया एंड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट टू स्केल विथ कैमरा ल्यूसीडिया यानी कि साथ ही साथ क्वांटिटेटिव भी उसमें किया जाता है कि जो ट्रग है वो सेम क्वांटिटी के अंदर या सेम कंसल्टेशन ऑफ केमिकल कंस्टेंट है वो अवेलेबल है ना क्वालिटी इसकी एकदम सही है उस हिसाब से इसका डायग्नोस किया जाता है विच इज नोन एज क्वान्टिटेटिव माइक्रोस्कोपी नंबर सेकेंड कल्टिवेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ट्रग अब आप कोई भी प्लांट से कोई ड्रग ले रहे हो तो अगर आप उसे सुटेबल कंडीशन के अंदर उगाओ कल्टीवेट करो उसके अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रीशन की रिक्वायरमेंट है वो डालो तो जो परसेंट परसेंटेज आपके केमिकल कंस्टेंट की है जो आपको चाहिए उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो तो साथ ही साथ जो खेती बाड़ी है यानी कि जो आपने किस तरीके से पौधे को इम्प्लांट किया है आपने किस तरीके से उसको उगाया है किस तरीके से आप कलेक्ट कर रहे हो टाइमिंग क्या है कलेक्शन की आ, न्यूट्रिशन आप उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो इससे प्लांट अवेलेबल हो सकते हैं तो वो सारी स्टडीज भी है किस तरीके से इसका किया जाना चाहिए कलेक्शन किस तरीके से होता है क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये सब कुछ सो द कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ नेचुरल ऑरिजन फैक्टर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट यानी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं कल्टिवेशन करते वक्त प्लस प्लान हार्मोन एंड देर एप्लीकेशन कौन कौन से प्लांट्स हार्मोन अवेलेबल हैं उसके एप्लीकेशन क्या है कल्टिवेशन कलेक्शन में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उन सबको पोलिप्लॉडी क्या है म्यूटेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन क्या है विद रेफरेंस टू मेडिकल प्लांट्स साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्लांट में कोई ऐसी क्वालिटी है जो अपने को दूसरे में चाहिए तो उसका म्यूटेशन करना उसके अंदर वो चीज़ ट्रांसफर करना जेनेटिकली इंजीनियरिंग करना या फिर टिश्यू कल्चर करके उसके अंदर वो क्वालिटी लाना ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें की जाती हैं देन तो मेडिकल भी इसके फिर है, है, टीशु टीशु है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि काफी सारे जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही उगते हैं काफी सारे है जो हैं जो राजस्थान में उगते हैं जो केरला में आपको देखने को नहीं मिलेंगे उस रीजन में जो उगते हैं वो आपको इस ड्राई लोकेशन में अवेलेबल नहीं होंगे तो उनको भी यहाँ पे है जो कि उगाने की प्रक्रिया है उसको मोस्टली प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स uh, को कल्टीवेट करना जो कि नॉर्मली उस इन्वायरमेंट में कल्टीवेट नहीं होते तो उनको क्या करते हैं नॉर्मली उनका टिश्यू कल्चर किया जाता है लैब के अंदर उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ग्रोथ करवाया जाता है फिर है जो उनको जब वो सूटेबल हो जाते हैं उन एन्वायरमेंट के ग्रोथ के हिसाब से न्यूट्रिशन देते हुए फिर उनको है जो कि उस लोकेशन में है जो कि प्लांट कर दिया जाता है तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री क्या है ये डेवलप कैसे हुए प्लान टिश्यू कल्चर होता क्या है इसके टाइप्स ऑफ कल्चर क्या हैं है? कौन कौन से न्यूट्रिशन्स अपने को देने होते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस कैसे की जाती है एप्लीकेशन क्या हैं एंड एडिबल वैक्सीन क्या होती हैं सारी की सारी अपन चीजें पढ़ेंगे एडिबल वैक्सीन बेसिकली वो है जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उससे जो भी निकलता है उसके अंदर तो से जो प्रोटीन हैं हैं सिंथेसाइज हो रहे वो किसी ना किसी डिजीज को क्योर करने के काम आते हैं तो वो किस तरीके से उसमें से निकाले जाते हैं किस तरीके से उनको सिंथेसाइज किया जाता है वो वैक्सीन के रूप में किस तरीके से यूज की जाती हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे देन यूनिट नंबर फोर्थ फार्मोसिन वेरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अब अगर पहले के समय की बात करें जब एलोपैथी नहीं थी तब एलोपैथी जब नहीं थी तब क्या थे ऑबियस जो फार्माकोग्नोसी है या जो फिर जो वेद लोग थे वो लोग ट्रीटमेंट करते थे तो वेद लोग कैसे ट्रीटमेंट करते थे वो मोस्टली जो हर्ब्स होती थी या जो प्लांट प्रोडक्ट्स थे उन्हीं को दिया करते थे अब वो किस तरीके से डायग्नोस करते थे डिजीज को और किस तरीके से उनको पता चलता था कि कौन सी ड्रग है जो कि किस तरीके की बीमारी के लिए उपचार में काम आ रही है तो पहले के टाइम पे जैसे इंडियन हिस्ट्री है आप चाइनीज हिस्ट्री देख लो ये सारे के सारे लोग इसी तरीके से हैं जो ट्रीटमेंट दिया करते थे कि बेसिकली बॉडी की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसका कप पित एंड वात कैसा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके हिसाब से उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को चेक करना और उसके या तो सिम्बोलिक या फिर उसका एंटाबोलिक प्रोडक्ट उनको दिया जाता था जिससे कि वो ट्रीट होते थे और 99% वो क्रूड ड्रग्स हुआ करती थी तो बेसिकली आयुर्वेदा में किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है क्या क्या यूज़ किया जाता था यूनानी में क्या था सिद्धा में क्या था होम्योपैथी क्या थी एंड चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किस तरीके से फार्माकोग्नोसी काम आती है किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ें अपन देखेंगे देन इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं जैसे कि कोई भी प्लांट जब ग्रोथ करेगा तो उसमें जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स ये बनेंगे बट इनके बाद वापस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनेंगे विच इज एल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड फ्लेवेनोइड टेनिन्स वोलेटाइल्स एंड एजेंस बेसिकली वो उनके प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो उनके खुद के लिए यूजफुल नहीं है बट उनके अंदर कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि अपन ह्यूमन बेनिफिट्स के रूप में ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं जैसे कि उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी

प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं इनकी जो केमिस्ट्री है सोर्स प्रिपरेशन ये सारी की सारी चीजें फार्मास्यूटिकल एड्स क्या हैं मेडिसिनल और फॉलोइंग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हो सकते हैं जैसे, जैसे कि इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे कि केशिया ट्रैगा हनी इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है यूज क्या है किस तरीके से अपन इसको ऑप्टेन करते हैं प्रोटीन एंड एंजाइम जैसे कि जिलेटिन हो गया केजिन हो गया प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स हो गया पेपमिन ब्रोमिलिन हो गए ियन पेप्टिडेज हो गया यूरोप्टोकिन हो गया हो गए इन सबके बारे में स्टडी करेंगे कि इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कहाँ से ऑप्टेन होते हैं और इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं एंड इनके यूज क्या क्या हैं लिपिड्स की बात करें जैसे कि वैक्स ऑयल लाइक ऑयल कहाँ से अपने को मिलता है चाउल मोगरा ऑयल कहाँ से मिलता है वुल फैट बीस वैक्स पढ़ने का क्या एडवांटेज है क्योंकि फार्मास्यूटिकल फॉम्बिनेशन के अंदर भी ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं तो नेचुरल ऑरिजिन क्या है कहाँ से अपन ऑप्टेन कर रहे हैं ये चीजें भी भी जानना जरूरी है। कौन-कौन से हैं, हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। Books की बात करते हैं, तो बेस्ट बुक फॉर फार्माकॉग्नेसी साथ ही साथ जो ग्रेडियन एल आर रॉबर्ट्स है वो भी अच्छी बुक है टीई वोलिस इज नाइस बुक एंड मोहम्मद अली फॉर फार्माकॉग्नेसी इन फाइटोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री सी के कोकाटे आर डी चौधरी एस अंसारी सीके कोकटएन एनारोमियोफ क्रुड्रग बाय एमएल लैंगर ये सारी की सारी किताबें हैं जो इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगी बी फार्म 4 सेमेस्टर पार्ट फर्स्ट ऑफ फार्माकोनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज प्रेस द बेल आइकन